चल रेडी। ओके गो। वैसे तो बसंत मेले में पतंगे वगैरह उड़ती हैं, पेंचे लड़ते हैं, लेकिन कतर में बसंत मेला थोड़ा अलग स्टाइल से होता है। उसमें स्टॉल्स लगते हैं पाकिस्तानी खाने पीने के, गारमेंट्स वगैरह के, और प्लस आपको जो यहाँ का पाकिस्तानी लोकल टैलेंट है वो आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। मेरा ये कतर का पहला बसंत मेला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस बार हमारे जो ध्यान था ना वो मेले से ज़्यादा स्टेज पर था। तो जी सब कुछ सेट, फर्स्ट डे हमारा उधर, और इस बार भी हमेशा की तरह वली लेट। अच्छा यार, मैं आपको अपने एक दोस्त से मिलवाता हूँ, वो हमेशा टाइम पे आता है और आज भी बहुत टाइम पे आया। हम सुबह से आए हैं इधर और अब आया। अच्छा यार वली, क्या मसला क्या है, कभी टाइम पे क्यों नहीं आते? भाई मुझे और भी काम होते हैं, फारिग नहीं हूँ मैं। उसके बाद हमारे पास एक और आदमी आए, ये भी वक्त पे आए, इनसे मिलिए। नहीं ये तो मेरे साथ है, ये वाले। हेलो एवरीवन, मैं आज परफॉर्म करने जा रहा हूँ। मैं कल परफॉर्म करने जा रहा हूँ। अच्छा स्टेज पे जाने से पहले ना हमेशा एक डर होता है कि पता नहीं क्या होगा स्टेज पे। और नॉर्मली मैंने बहुत सारे सिंगर से जब भी मेरी बात होती है वो हमेशा ये कहते हैं कि यार ये हमेशा रहता है कि आपको ना कभी कभी लिरिक्स भूल जाते हैं और बड़े बड़े परफॉर्मेंस भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई छोटा आर्टिस्ट है, कोई बड़ा आर्टिस्ट है, इस तरह का कोई सीन नहीं होता, लेकिन ये होता है। तो शाम मुझे नीचे समझा रहा कि यार वो ना जैसा कहा ना वैसे परफॉर्म करना। हमारा भाई परफॉर्म करने लगा, पहली बार मैं से समझा रहा हूँ कि घबराना बिल्कुल नहीं है। कल परफॉर्म करे, कल ये नहीं, इसको बोलूंगा घबराना नहीं है। तो लोगों ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी, स्टेज सेट हो चुका था, हमारी दो प्यारी प्यारी होस्टेसेस स्टेज पे आ गई थी, माइक चेक, अब्दुल्ला भाई हमारी इज्जत आपके हाथों में। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे मैं सेंटी हो गया और मेरी आंखों से आंसू नहीं आए, आने लगे थे लेकिन नहीं आए। अब्दुल्ला ने मुझे मेरा फेवरेट गाना डेडिकेट किया जिसके पीछे मैं 14 साल से पड़ा हुआ था, और फाइनली उसने स्टेज पे जाके गा दिया। स्टार ऑफ द नाइट कोमल रिजवी। आज से पहले मैंने इनको सिर्फ कोक स्टूडियो में सुना था, लेकिन जहां बात आती है लाइव परफॉर्मेंस की, शी इज अ बॉर्न स्टार। मैं तो उनका फैन हो गया ना। चैलेंज गोल गप्पा चैलेंज, हमारे साथ मौजूद हैं और इनको तो कोई कौन नहीं जानता। मैं इधर उधर वलीद साहब, आप क्या कहते हैं? इन दोनों का चैलेंज है कि जो सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाएगा वो क्या करेगा? जीतेगा। वो जीतेगा बस। हाँ इतनी सी बात के लिए पेट क्यों खराब कर रहा है? मेरी तरफ से दोनों जीत गए। मैं कह रहा हूँ उसने 20 कर दिया, ऊपर आओ तुम। समझ के बोलो, ये इसका एक नवाला है। मुफ्त का चैलेंज लगाया है, मुफ्त का मजा आएगा रात को। तीन और डालो, ये देखो एक इन्होंने, भाई बहुत मिर्ची है यार, कैसे खा ली है? तो भाई एक्सेप्ट करो,
क्या करूँ? एक्सेप्ट करो यार. उसमें ना जैसे मुझे लग रहा था कि मिर्चें नहीं होंगी, लेकिन बहुत मिर्चें हैं. ये हरी चटनी किसने बना दी है मुझे पता ही नहीं था. तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आई लूज. चलो मुबारक हो अनम आपके जीतने पे. मेरी चॉकलेट, मेरी चॉकलेट आपको मिली है. एक मेरी चॉकलेट है और ये दो, ये इसी की चॉकलेट थी, मैंने इसको वापस कर दिया. यार कल हम लोग आए थे तो कल इतना रश नहीं था, तो अब्दुल्ला की जो बारी है ना वो तो लग गई. लेकिन आज मैं सिर्फ खास तौर पे आया हूँ अपने भाई हिशाम के लिए. और हिशाम मुझे नहीं लग रहा कि आज तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आने वाला है. आने वाला है क्योंकि आप रश देख सकते हैं पीछे, क्राउड आना शुरू हो गया है. यहाँ हिशाम को पता नहीं था कि उसके साथ होने क्या वाला है. मेरा नाम अली और मैं एक सिंगर हूँ. मैंने अभी रिसेंटली बसंत मेला में परफॉर्म किया था और वहाँ का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि उधर की क्राउड बहुत सपोर्टिव थी और मेरे एक्सपेक्टेशंस के लाइक मेरे एक्सपेक्टेशन से बढ़कर थी वो क्राउड. और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं स्टेज छोड़ूं, बस मैं वहाँ पे गाता रहूँ. और काफ़ी आर्टिस्ट आए हुए थे वहाँ पे कतर के, बहुत मज़ा आया मुझे. तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसे इवेंट्स होते रहें और लोग एंटरटेन होते रहें. मतलब के एक तरह से पूरा बैड सीन हो गया था. आई वॉज लूजिंग माई कॉन्फिडेंस. बहुत ज़्यादा क्राउड आ गई थी. इट वॉज आई थिंक अराउंड मोर देन 1000. ऊपर से अली की परफॉर्मेंस थी, सो आई वॉज लूजिंग मोर कॉन्फिडेंस बिकॉज ही वॉज डूइंग टू गुड एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट. एज सून एज द होस्ट कॉल्ड आउट माई नेम आई वॉज हैविंग द बैडेस्ट एंग्जाइटी. मैं स्टेज पे गया, द फर्स्ट सॉन्ग आई वॉज काइंड ऑफ शिवरिंग. मैं बहुत शिवर कर रहा था, बट जैसे ही लोगों ने एक तरह से चीयर करना शुरू किया पूरा चार्ज डब हो गया था. सो द रेस्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. Yeah, finally, जिसका इंतजार था ताहिर भाई आ गए हैं. ताहिर भाई स्टेज, ताहिर भाई you're ready to go and I hope guys will enjoy. मैं खुद भी डांस करना चाहता हूं. इंजीनियर बाय प्रोफेशन, ब्रो. इंजीनियर बाय प्रोफेशन, म्यूजिशियन बाय पैशन. ओ माय गॉड, इंग्लिश. दिल से था तूने कहा प्यार आप जैसे लोग, आप जैसे क्राउड और आप जैसे सपोर्ट.
मैं कहता हूँ इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मुझे आज तक नहीं है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस, मैं कहता हूँ थोड़ी सी सपोर्ट मुझे भी कर दो, ये नीचे सब्सक्राइब का बटन है लाल वाला, जल्दी से दबा दो। ओके, दबा दिया, मुझे पता था। थैंक यू, बाय। तो नाज़रीन, कैसा दिया? नहीं अच्छा।